हमें मिलकर के देखना चाहिए। चंद्रशेखर जी हमारे साथ एक और विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक्सिस डायरेक्ट के कमोडिटी और करेंसी हेड सुनील काटके साथ भी हैं। सुनील जी स्वागत है आपका। हम काफी समय से अभी अपने दो विशेषज्ञों के साथ, रेनिशा और चंद्रशेखर जी हैं मेरे साथ, उनसे हम चर्चा कर रहे थे कि वजह क्या रही कच्चे तेल में जो एकाएक रात भर में ही हमने देखा, एक ही सत्र में जो 6-7% की गिरावट आ गई इस पूरे हफ्ते में। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अब ताजा स्थिति आप किस प्रकार की देख रहे हैं, क्या ये गिरावट अभी कुछ समय जारी रहेगी या अब आपको लगता है कि अब यहां से वापस खरीदारी शुरू हो जाएगी? नमस्कार सबको। इनफैक्ट जैसे आपने देखा कल ही तकरीबन 6% तक का मार्केट में गिरावट देखने को मिला था क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, डोमेस्टिक मार्केट में। इसका कारण तो सबसे पहले तो हम अगर देखें तो इन्वेंट्री लेवल्स जो हैं ऑल टाइम हाइस पे हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो कमर्शियल जो इन्वेंट्रीज उनकी 2 साल पहले 5 मिलियन बैरल की थी, वो आज की तारीख में 450 मिलियन बैरल की है। तो इन्वेंट्रीज ग्लोबली सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। इवन चाइना में अगर हम देखते हैं तो गैसोलीन के जो स्टॉक्स हैं वो भी ऑल टाइम हाइस पे हैं। तो इन्वेंट्री सबसे ज्यादा होना वो एक कारण है कि डिमांड में कमी होना। और इवन अगर आप देखें तो रिफाइनरीज जो हैं ग्लोबल लेवल पे, जो रिफाइनरीज हैं उनके मार्जिन इतने कम हो गए हैं कि उसका डिमांड जो है वहां पे भी खलते हुए दिख रहा है। सुनील जी ये सारे पॉइंट्स आपने जो 2-3 पॉइंट्स बताए इसमें लग क्या रहा है कि क्या अब इनका दबाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि साल की शुरुआत से अब तक कच्चा तेल 35-40% भाग चुका है। उससे पिछले साल हमने एक लंबा स्पैन देखा जहां उतनी ही गिरावट थी कच्चे तेल की कीमतों में, जब 35-40% फिसला था, उसके बाद साल की शुरुआत एक बड़े धमाकेदार नोट पर हुई और अच्छा रिटर्न भी दिया है। अब मेरा सवाल यही है कि ये जो एक झटके में गिरावट आई और जो फैक्टर्स आपने हमारे बाकी विशेषज्ञों ने रखे हैं, क्या ये दबाव और दबाव की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी हाँ, अभी देखिए एक दो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जैसे यूएस का ईरान पे सैंक्शंस लगाना या वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाना या ओपेक कंट्रीज का प्रोडक्शन कट करना, ये 2-3 ऐसे न्यूज हैं जो कि स्पर्ट मोमेंट में एक आध दिन के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा बहुत अप ट्रेंड दिखा सकती हैं। बट अगर आप फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटल्स क्रूड के बहुत ही वीक हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आप देखें तो ग्लोबल लेवल पे इन्वेंट्रीज इतने हाईज हैं और जैसे मैंने बताया रिफाइनरीज भी इतने मार्जिन कम हो गए हैं कि फंडामेंटली अगर एक आध महीना या एक साल का अगर हम टाइमलाइन लेके देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं, जो ब्रेंट क्रूड आज की तारीख में 68-68.5 डॉलर के रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो हमें लगता है कि ये 60 डॉलर से लेके 62 डॉलर के रेंज में हमको ट्रेड होते हुए दिखेगा। 60 से 62 ईयर एंड में आप देख रहे हैं ऐसे कुछ? हाँ जी हाँ जी, ये ईयर एंड तक हमें लगता है कि ये 55 डॉलर से 62 डॉलर तक का मूवमेंट दे सकता है और स्टेबलाइज हो जाना चाहिए 60 डॉलर के आसपास, ऐसा हमारा मानना है। ओके, यानी कि अभी भी गिरावट बाकी है। अगर एक्सिस सिक्योरिटीज की जो रिकमेंडेशन आ रही है उसके मुताबिक उन्हें लगता है कि ये साल सेकेंड हाफ स्पेशली दबाव वाला हो सकता है और कच्चे तेल की जो कीमतें वो 60 डॉलर के आसपास स्टेबलाइज करेंगी, यानी कि मौजूदा स्तरों से और 7-8 डॉलर की गिरावट यहां से दिखाई दे रही है। चलिए, हमने हमारे तीनों विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है ये समझ लिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे समझेंगे कि घरेलू बाजार में कच्चे तेल की वो क्या चाल हो सकती है, रुपए का कैसा योगदान रहेगा या दबाव रहेगा, ये सब समझेंगे विस्तार से। अब घरेलू बाजार में कच्चे तेल की रेंज किस प्रकार की रहने वाली है, आपको कमाई का मौका कैसे मिलेगा, इसमें सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सिग्नल्स में रुपए का भी बड़ा योगदान होता है। तो पहला सवाल यहाँ रेनिशा मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि रुपए की चाल का बड़ा असर होता है। हम चुनाव का ये काउंटिंग डे तक का इंतजार कर रहे थे कि फाइनली कौन सी सरकार यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, हमने वापसी यहाँ पर आते हुए देखी एनडीए की। अब मुझे बताइए तस्वीर साफ हो चुकी है रुपए में आउटलुक, अब यही समझना चाहेंगे कि रुपए का आउटलुक यहां से कैसा होगा और उसका असर कच्चे तेल में किस प्रकार से देखेंगे।
यस नेहा, जिस तरह से एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग इलेक्शन रिजल्ट उसी तरफ आए हैं, तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि यूएसडी एनआर में एप्रिसिएशन आना चाहिए, इट कैन कम डाउन बिलो 69 लेवल्स ऑल्सो, बट जिस तरह से डॉलर इंडेक्स काफी स्ट्रांग है, यूएस फेड अभी भी इंटरेस्ट रेट्स और कुछ चेंजेस नहीं करने वाले हैं, तो जिस तरह डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, आई थिंक जो ब्रॉडर रेंज रहेगी यूएसडी एनआर की फॉर नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स वुड बी 69 to 71. अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि इसी तरह जो हमारे एमसीएक्स में प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल में, वो भी ब्रॉड रेंज में ही ट्रेड करेंगे, बहुत ज्यादा वन वे अपसाइड या डाउनसाइड नहीं मैं कह रही हूँ. अपसाइड मुझे लग रहा है टॉप आउट हो चुकी है प्राइसेस, बिकॉज जो कंसर्न्स थे ग्लोबल ट्रेड कंसर्न्स, जो भी ट्रेड टैरिफ्स के कंसर्न्स थे, पॉजिटिव सारे के सारे प्राइसेस में आ चुके हैं. अभी जो है प्राइसेस थोड़ा डाउनसाइड दिखाएगी, जिस तरह से मैंने कहा 55 डॉलर, सो दैट इज इक्वल टू रफली 3900 एट एमसीएक्स. मुझे लग रहा है डाउनसाइड में 3900 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं, बट अगेन दूसरे सपोर्टिंग फैक्टर्स फिर से आ जाएंगे जो प्राइसेस को यू नो बहुत डाउनसाइड नहीं रहने देंगे, बिकॉज अभी भी अपसाइड कहां तक देख रही है, 3900 नीचे अपसाइड में कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं. अपसाइड में मैं 4200 तक देख रही हूँ नेक्स्ट वन मंथ में, सो 3900 टू 4200 मुझे ब्रॉडर ये रेंज लग रही है फॉर वन मंथ. ओके, तो यूएसडी आईएनआर 69 से 71 और उसी के मद्देनजर 3900 से 4200 का. सुनील जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप करेंसीज और कमोडिटी मार्केट दोनों ट्रैक करते हैं, तो ये आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे. हमने ट्रेडिशनली देखा है कि कच्चा तेल और रुपया इनका बिल्कुल मतलब कमाल का कनेक्शन है. जब जब कच्चा तेल महंगा हुआ है हमने रुपए को दबते हुए देखा, इस बार तो बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं कि स्लैश हो गए कच्चे तेल की कीमतें, जो हमने रातों रात ये बिल्कुल होते हुए देखा. लेकिन रुपए में जिस तरह की स्ट्रेंथ आनी थी, जिस तरह की मजबूती फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज देखने को मिलेगी, आई जरूर, लेकिन वैसे नहीं आई जैसे हम आमतौर पर उम्मीद करते हैं जब जब कच्चा तेल नीचे जाता है. 70 के नीचे जरूर ये आया है, लेकिन जैसे कि रमेशा कह रही थी कि अब आगे जाते 69 के भी नीचे देखेगा, हम ऐसे मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे आज सुबह, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो क्या है ये कोरिलेशन बिल्कुल छट चुका है, अब होगा क्या कच्चे तेल का और करेंसी में? देखिए, जैसे आपने बताया, जितना ज्यादा रुपया अप्रिशिएट होता है यू नो उतना ज्यादा यू नो सारे कमोडिटी सस्ते हो जाते हैं. तो आई थिंक एमसीएक्स पे भी यू नो एक रुपया अगर अप्रिशिएट होता है डॉलर के अगेंस्ट, तो तकरीबन 51 रुपया का पर बैरल का भाव में गिरावट देखने को मिलता है. और क्योंकि हम एज ए कंट्री नेट इम्पोर्टर्स हैं क्रूड ऑयल के, तो जितना जैसे 5 से 6% की गिरावट हमें देखने को मिली एक दिन में, तो आपने सही बताया कि उस हिसाब से हमें जो अप्रिसिएशन देखने को मिलना चाहिए था रुपी में, वो नहीं देखने को मिला है. बट ये एक ही ट्रेडिंग सेशन का आई थिंक अनुमान लगाना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि रुपी को ड्राइव कर रहे हैं. जैसे इवन कल की हम बात कर रहे हैं तो इक्विटीज ऑल टाइम हाई को छू के फिर क्लोजिंग सेशन में थोड़ा फ्लैट और नेगेटिव साइड में, लेकिन कल के सत्र में भी रुपए को बहुत नहीं, रुपया तो सीसो कर रहा था कल. जी हाँ, मतलब पहले तो अप्रिशिएट अच्छा खासा हो गया, आई मीन ओपनिंग सेशन बहुत ही पॉजिटिव था रुपी के लिए, राइट. बट आई थिंक क्लोजिंग के दौरान आपने देखा होगा कि रुपया फिर से डिप्रिशिएट हो गया तकरीबन 41 पैसा. करेक्ट. तो क्रूड ऑयल के यू नो कंटिन्यूएशन रहेगा डाउनसाइड मूवमेंट का, तो आपको आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि रुपया भी 67.5 के रेंज से 69.5 के रेंज में स्टे होना चाहिए. और जितना ज्यादा क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट मिलेगा, जैसे फंडामेंटल्स अभी भी यही सपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा. कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है आने वाले समय में और नीचे जाने के अंदेशा. आप क्रूड ऑयल में क्या रेंज देख रहे हैं सर एमसीएक्स पे? जैसे हमने बताया, देखिए एमसीएक्स में अगर हम कल से आज का कंपैरिजन करें, तो कल तकरीबन 250 रुपए का गिरावट हमको देखने को मिला था, 4250 से लेके 4008 रुपए तक का हमने भाव देखा लोएस्ट में. क्लोजिंग में भले ही वो 4030 के रेंज में क्लोज हुआ, आज थोड़ा पॉजिटिव ओपन हुआ, बट हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर हम एक हफ्ते की भी बात करें, तो मुझे लगता है कि 3800 का रेंज जो है हमें देखने को मिल सकता है अपना क्रूड ऑयल में. और इसके अलावा मुझे लगता है कि रुपया में जो और स्ट्रेंथनिंग आने का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 50-60 पैसे का अप्रिसिएशन जो हमें जी आपने 67.5 और 69 के रेंज की यहाँ पर बात की. ओके, और कच्चे तेल में आप मानते हैं M6 पे 3800 तक का भाव आएगा. चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हम समझेंगे कि रुपए में और खासतौर से कच्चे तेल में अब यहाँ से क्या रणनीति अपना कर हमारे दर्शकों को होगा मुनाफा. एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं.
चलिए अब वक्त है हमारे दर्शकों की कमाई कराने का, कच्चे तेल में और रुपए में भी समझेंगे क्या हो रणनीति। चंद्रशेखर जी आपसे शुरुआत करें, पहले तो बताइए कि रुपए में क्या रेंज देख रहे हैं। हाँ, रुपया काफी चैलेंज्ड है मेरे ख्याल से, जो छोटी सी मजबूती कल आई बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रिजल्ट एक्सेट्रा, उस पर नहीं जाऊंगा, मगर ट्रेड डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, एफडीआई फ्लोज काफी धीमी गति से चल रहे हैं, तो आई एम एक्चुअली स्लाइटली बेरिश ऑन द रुपी, और मैं समझता हूँ 70-72 के रेंज आगे 2-3 महीने में हो सकता है, ठीक है। मगर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर मैं ये भी देख रहा हूँ कि डॉलर जरूर कमजोर होगा, तो उसका फायदा हमारे रुपए को फायदा हमें मिलेगा जब द रुपी कैन कम पोटेंशियली 67-68 लेवल्स, और इसका असर हमें दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल का भाव घट गया तो रुपया बढ़ना चाहिए, तो ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन फॉल इन कमोडिटी प्राइस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द करेंसी। से पहले क्रूड में रणनीति बता, ओपेक से पहले मैं क्रूड में आई एम स्लाइटली बुलिश, ये जो लेवल्स है 67-68 वहां नहीं रहेगा, $70 तो छुएगा ब्रेंट, एंड इट कैन पोटेंशियली गो टू 71 और 72, और फिर आउटकम जुलाई में क्या होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई देखेंगे, उसके बेसिस पे आगे का चार्ज जो भी है। सुनील जी, कच्चे तेल में अपनी रणनीति बताइए 1-2 महीने के लिहाज से। हाँ जी, आई थिंक 1-2 महीने के लिहाज से हमें इसमें बियरिश साइड में ज्यादा रुझान दिख रहा है, तो आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट में अगर इन्वेस्टर्स को पैसे कमाना है तो मुझे लगता है कि 4,100 के रेंज में क्रूड में सेल इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है, और 3,850 तक का रेंज मिल सकता है, ठीक है, और एक स्टॉप लॉस अगर हम मेंटेन करें 4,200 के रेंज तक तो ये सही रणनीति साबित हो सकती है, बिकॉज अप्रिसिएशन इन रुपी एक सपोर्टिंग फैक्टर हो जाएगा 60-70 पैसे, और इंटरनेशनल मार्केट में कमजोरी दिखाई दे रही है। ओके, तो कच्चा तेल होगा सस्ता, ये इकोनॉमी के लिहाज से अच्छी बात है, लेकिन कमाई का मौका कारोबारियों को शॉर्ट करके मिलेगा। रनिशा फटाफट 30 सेकंड बताइए, क्रूड पे क्या सलाह देंगे? यस, आई वुड ऑल्सो गो विद दैट ओनली, मुझे भी लग रहा है कि सेल की स्ट्रैटेजी क्रूड ऑयल में यूज करना चाहिए। 4150 से 4200 के लेवल्स के बीच में सेल किया जा सकता है जून कॉन्ट्रैक्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ 4250। डाउन साइड में मैं 3900 टू 3950 तक के लेवल्स देख रहे हूँ, तो सेल ऑन रैलीज का व्यू रहेगा क्रूड ऑयल में एस ऑफ नाउ फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात की होगा सस्ता कच्चा तेल, और कारोबारियों को हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर शॉर्ट साइड में जाके कमाई का मौका मिलेगा। चलिए चंद्रशेखर जी, रनिशा और सुनील जी, आप टीमों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय इस मुद्दे पर रखने के लिए। कमोडिटी आउटलुक में इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।